तो जो भी मेरे अंदर लीडरशिप स्किल्स आई है ना वो मोस्टली उसी टाइम में आई है। ओके, जो मैंने 3 साल में थिएटर डायरेक्ट किया है, चाहे 20-25 लोगों की टीम को हैंडल किया है। ओके, ठीक है, अलग अलग तरीके की लीडरशिप स्किल्स मैंने उस टाइम पे लिंक्डइन के थ्रू एक कंपनी में अप्लाई किया जो कि रियल एस्टेट कंपनी थी और वो पैकेज ऑफर कर रहे थे 26,28,000 का। तो वो 3-4 राउंड का इंटरव्यू चला अपना और मैंने वो क्रैक किया। अच्छा, अगर मान लो मैं सूट पहन के आता हूँ, ठीक है, मैं पर्स निकालता हूँ और तुमको कुछ भी पेमेंट करता हूँ, 500 रुपया कैश देके पेमेंट करता हूँ, इम्पैक्ट पड़ता है, तब बंदा तुम पे सीरियसली इंटरेस्ट लेता है कि हाँ यार ये बंदा कुछ कह रहा है। हमारे एरिया में सरकारी स्कूल में ज़्यादा अच्छी पढ़ाई है ओके देन प्राइवेट स्कूल। तो आप कौन से एरिया से हैं? लगभग बंगाणा, ऊना, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। अभी आपके इस प्लेटफॉर्म की मैं बात करूँ तो समथिंग आपका ये कितना रेवेन्यू जनरेट करके दे रही होगी मंथली? अभी ये इस टाइम पे मंथली हम 45-50 हिट करते हैं। 40 to 50 लाख? 40 to 50 लाख मंथली। ये मार्च से इतना हमने हिट करना स्टार्ट किया है। ठीक है, मार्च हमने एंड किया था ऑलमोस्ट 22-25 पे और लास्ट ईयर हमने स्टार्ट किया था अराउंड 7 लाख से। आज के टाइम पे इंडिया में ड्रॉप शिपिंग में पोटेंशियल है, मानते हो आप? प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है, पोटेंशियल तो है। स्पेशली किस में ज़्यादा बिलीव करते हैं? हम अपने एक तो इष्ट देवता है हमारे बाबा पहाड़िया जी, हम उन पे बिलीव करते हैं। मेरी पापा का बिलीफ है, पापा मम्मी का बिलीफ है, बचपन से वो बिलीफ चला रहा है और मम्मी की वजह से ठाकुर जी पे हमारा बिलीफ है, बांके बिहारी जी पे। बस ये 2 मेजर बिलीफ्स हैं मेरी लाइफ में। बताइए फिर कहाँ से शुरू करें? बिजनेस से शुरू करता पहले तो, जिसकी वजह से आइडेंटिटी मिली है। तो सबसे पहला बिजनेस जो मेन मेरा स्टार्टअप है जो Deeva.com, उसको मैंने स्टार्ट किया था 15 जून 2021 को। ओके, तो 2 साल हो गए हैं उसको और उसकी वजह से ही मेरे को मैंने ये चीज़ें लर्न करी हैं कि कैसे स्टार्टअप को जल्दी एग्जीक्यूट किया जाता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं, कैसे ई कॉमर्स में जो है वो अच्छा रिवेन्यू हम जनरेट कर सकते हैं। मतलब आज की डेट में हमारे पास 4 बिजनेसेस हैं और 5 बिजनेसेस हैं, उनमें से 4 ई कॉमर्स हैं। ओके, और चारों के चारों प्रॉफिटेबल हैं, चारों के चारों अच्छा रिवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। 5वां सर्विस वाला है तो वो एक अलग इंडस्ट्री जो कि हम क्रैक कर रहे हैं, अभी क्रैक करना बाकी है, बट बाकी के चारों सक्सेसफुल हैं। तो बाकी के 3 सक्सेस हो पाए हैं बिकॉज मैंने एक में टाइम बिताया है। तो जो उसमें टाइम बिताया है हमने, जो उसमें हमने 2 साल में सीखा है, चाहे उसको स्ट्रगल बोल लो, चाहे उसको लर्निंग फेज बोल लो, वो जो हमने उसमें टाइम बिताया है उस बारे में हम आज डीप बात करते हैं। 5 बिजनेसेस ये आपके किस चीज़ से रिलेटेड है? 4 तो जैसे मैंने कहा कि ई कॉमर्स है, बस प्रोडक्ट अलग अलग हैं। एक में ज्वेलरी है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, एक में रुद्राक्ष और सनातन धर्म से रिलेटेड आइटम्स हम बेचते हैं, एक मेंस फैशन में और एक साड़ीज है। ओके जी, तो मतलब बहुत सारे सवाल मेरे मन में हैं, लेकिन सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि लाइक आपने एजुकेशन में क्या किया, कैसे आपने पढ़ाई की और कैसा इंटरेस्ट था एजुकेशन में? क्या इंटरेस्ट था? मेरा एक्चुअली ना बचपन से इंटरेस्ट था कल्चरल एक्टिविटीज़ में। ओके, बट इसका मतलब ये नहीं था कि मैं पढ़ाई में बेकार था, मैं पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था। ओके, मतलब टॉपर नहीं बोलोगे तो सेकेंड टॉपर तो आता ही था क्लास में। तो पढ़ाई तो अच्छी चल रही है, सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ मैं 12-12 तक। अरे वाह, हम भी सरकारी में ही पढ़े हैं। तो 12 तक मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ। हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स की एजुकेशन बहुत ज़्यादा बेटर है प्राइवेट स्कूल से। और हमारे स्कूल में मतलब हर स्कूल में जो हमें टीचर्स पढ़ाते थे वो अवॉर्डेड टीचर्स थे। okay. तो फिजिक्स में जैसे हमारे एक टीचर थे आहुति शर्मा, तो उन्होंने बहुत चीज़ें सिखाई। तो स्कूल में तो बहुत अच्छा एजुकेशन रहा है मेरा पर यह गोल नहीं था कि मेरे को कभी भी इंजीनियर बनना है या फिर कुछ भी करना है, पता नहीं था इन चीज़ों के बारे में। मेरे को भी पता नहीं था कि एनडीए कुछ एग्जाम होता है, जेईई मेंस होता है। अपना सीधा फंडा था पापा बिजनेस कर रहे हैं, 12th के बाद मेरे को म्यूज़िक लाइन या थिएटर में घुसना है और एक्टिंग करनी है और ये सब करना है, तो पापा सपोर्ट कर देंगे उसमें, बस ये करना था। लेकिन हुआ यूँ कि 11th में मेरे को एक मेंटोर मिले जिन्होंने मेरे को रियलाइज़ कराया कि मेरा माइंड शार्प है एंड मेरा मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। मेरे को कभी रियलाइज़ ही नहीं हुआ, मतलब स्ट्रॉन्ग था उसमें क्या है, पर कभी उस पर काम नहीं किया कि किसी ने बताया नहीं ना कि तुम अच्छा गाते हो, ठीक है, तुम गाते शौक के लिए गा रहे हो, मान लो तुमको कोई आके बोल देता है कि यार तुम बहुत अच्छा गा सकते हो, तुम रिकॉर्ड कराओगे ना, तो अब तुम्हारे दिमाग में थॉट आएगा ना। तो हम ऐसे ही, मतलब मैं गया था सिर्फ पास होने के लिए कि 11th में मैंने कहा कि सर मेरे तो अच्छी परसेंटेज चाहिए, एक मेंटोर के पास गया मैं। तो उन्होंने ऐसे 1-2 टेस्ट लिए मेरे, तो ही वॉज लाइक कि यार तेरा मैथ बहुत अच्छा है, लाइक कि ही वॉज लाइक कि मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करवाता हूँ बच्चों को और हमारे सारे स्टूडेंट में सबसे अच्छा मैथ तेरा है। ओके, तो ये उन्होंने, तो फिर ऐसे एक दिन हम बैठे हुए थे तो 2 लड़के आए जो कि एनडीए की तैयारी कर रहे थे। ओके, तो उनका एनडीए एग्ज़ाम आने वाला था और ये जब मैं 11th में था वो 10th में थे, तो वो 10th में ही एनडीए की तैयारी कर रहे थे। ओके, हाँ, तो उनका एनडीए का एग्ज़ाम आया, तो मैंने सर को पूछा, मैंने कहा सर ये एनडीए का एग्ज़ाम क्या होता है। तो उन्होंने मेरे को बताया कि ऐसे एनडीए से डायरेक्ट तुम आर्मी ऑफिसर बन के जाते हो, ये सब चीज़ें। तो फिर वो मेरे को माइंड में स्ट्राइक करी, क्योंकि मैं हमेशा सोचता था कि मैं आर्मी के लिए हमेशा रहा है, लेकिन कब मैं ये सोचता कि यार सोल्जर नहीं ऑफिसर बनना है, मेरे को ये पता था कैसे बनना है। तो फिर सर ने बताया कि एनडीए, तो मैंने कहा सर मैं कर सकता हूँ क्या? तो उन्होंने कहा कि ऐसे एनडीए में मैथ्स जो हम मेजर रोल प्ले करते, तेरा मैथ बहुत कर सकता है। फिर 11th और 12th में आए हम। 12th में फिर जब शिफ्ट हुआ तो वो एक डिफरेंस आ गया माइंडसेट में, कि अब वो था कि मेरा एजुकेशन में थोड़ा और ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया था, क्योंकि वो इंटरेस्टिंग हो गई थी पढ़ाई, क्योंकि हम अब प्रैक्टिकल, क्योंकि मेरे को ना इसलिए इंटरेस्टिंग नहीं लगती क्योंकि थ्योरेटिकल पढ़ते हैं स्कूल में। स्कूल में थ्योरी पे ज़्यादा फोकस होता था, तो मेरे को पसंद ही नहीं था थ्योरी वाला चीज़। लेकिन जब मैंने उनसे मिला तो उन्होंने मेरे को प्रैक्टिकल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करवाया, कि मैथमेटिक्स हुआ ना, न्यूमेरिकल्स हो गए, फिजिक्स के, सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा हमारा इसमें काम करते थे। मतलब 3 बजे से लेके रात के 8-9 बजे तक हम सिर्फ यही सॉल्व करते थे। सर करवाते थे मेरे को, माइंड ट्रेनिंग करवाते थे वो, कि और फास्ट कैलकुलेशंस करो। फिर जब एनडीए आया तो सितंबर में एनडीए था मेरा, तो हमने एनडीए की डेडिकेटेड तैयारी चालू की थी 1 सितंबर को। ओके, 17 को मेरा एनडीए था। हमने 17 दिन में एनडीए की तैयारी करके एनडीए क्लियर किया था। तो जो एनडीए क्लियर हुआ ना, तो एनडीए में फैमिली का होता कि नहीं अकेला लड़का है, नहीं भेजना है ये सब चीज़ें। तो सर ने एनडीए क्लियर कर लिया था, रिटर्न क्लियर था मेरा, इंटरव्यू था। मेरे 2 लोग, मतलब मैं और मेरे दोस्त का हुआ था, वो चला गया था इंटरव्यू के लिए, लेकिन मेरी फैमिली वाला थोड़ा था कि नहीं, और मेरा भी ऐसा था कि अगर मैं ये कर लेता तो आगे जेईई मेंस करते हैं। सर ने बताया था कि इंजीनियर बन सकते हैं, ये सब होता है। फिर मैंने कहा चलो जेईई मेंस देंगे और इंजीनियर बनेंगे। तो वो माइंडसेट हट गया कि म्यूज़िक और थिएटर कंटिन्यू करना, वो चला गया कि नहीं अब एजुकेशन में आगे जाना है। फिर 12th के बाद जेईई दिया, तो उतने खास नंबर नहीं आए कि अच्छा कोई कॉलेज मिलता। फिर एसआरएम यूनिवर्सिटी से मैंने कंप्यूटर साइंस लिया, बीटेक किया वहाँ पे, कंप्यूटर साइंस लिया, और वहाँ पे फिर हमने एजुकेशन किया, और वो इंजीनियरिंग के बाद मैंने स्टार्टअप किया। बीटेक किया है आपने? हाँ, मैंने बीटेक किया है। तो जितने भी इंजीनियर्स हैं वो इंजीनियरिंग छोड़ के दुनिया के सारे काम करते हैं, ऐसा क्यों? मैंने जब इंजीनियरिंग करी थी ना, तो कॉमेडी कर लेंगे, हाँ, बिजनेस कर लेंगे, एक्टिंग कर लेंगे, सिंगिंग कर लेंगे, बस इंजीनियरिंग नहीं करेंगे। फिर इंजीनियरिंग क्यों कर रहे हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मैंने जब इंजीनियरिंग में लिया था ना एडमिशन, हाँ, तो एक गोल था कि मैंने कहा कि माइक्रोसॉफ्ट में जॉब लेंगे, गूगल में जॉब लेंगे, बढ़िया 1-1.5 करोड़ का पैकेज उठाएंगे, ऐसा था फर्स्ट ईयर का फर्स्ट डे। लेकिन विद इन फर्स्ट वीक मैंने क्या मूवीज एंड ड्रामेटिक्स क्लब ज्वाइन कर लिया था। अच्छा, जो कि मेरे को पहले करना था ना, स्ट्राइक हो गया, कॉलेज में थिएटर है ना, कॉलेज में ड्रामेटिक्स क्लब, यही तो करना था मेरे को। तो मैंने वो ज्वाइन कर लिया, और ज्वाइन करके मैं बहुत अच्छा किया मैंने उस क्लब में। ओके, मतलब मैं 2nd ईयर में डायरेक्टर बन गया था, स्ट्रीट प्ले डायरेक्ट करता था मैं, और खुद के लिखे थे मैंने। अरे वाह। 2nd, 3rd ईयर, 4th ईयर, मतलब फाड़ा था हमने थिएटर में। तो मेरा पूरा था कि मेरे को 4th ईयर के बाद जाना है बॉलीवुड, मतलब काम करना है, सीखना है एज ए डायरेक्टर। ऐसा नहीं को स्टार बनना है, एक्टर वैक्टर नहीं बनना है, डायरेक्टर बनना है, डायरेक्शन करनी है। ओके, तो जो भी मेरे अंदर लीडरशिप स्किल्स आई है ना, वो मोस्टली उसी टाइम में आई है। ओके, जो मैंने 3 साल में थिएटर डायरेक्ट किया है, चाहे 20-25 लोगों की टीम को हैंडल किया है। ओके, ठीक है, अलग अलग तरीके की लीडरशिप स्किल्स मैंने उस टाइम पे सीखी, उन चीज़ों ने मेरे को बहुत हेल्प किया। तो जब हमारा फाइनल ईयर आया तो कोविड हो गया, लॉकडाउन लग गया। तो लॉकडाउन ने बहुत चीज़ें चेंज कर दी। लॉकडाउन में क्या हुआ कि पापा का बिजनेस करते हैं, मेरे रिटेल का बिजनेस है। तो क्या होता है कि लॉकडाउन में सारी दुकानें बंद होंगी, तो दुकानें बंद होंगी तो कोई भी बिजनेस है कितने अच्छे चल रहा है, वो कुछ ना कुछ खाएगा, ठीक है, लॉस खाएगा या थोड़ा स्टक होगा, सिचुएशन थोड़ी सी स्टक होगी। तो इट वाज लाइक कि मेरे को रियलाइज हुआ कि यार अगर मैं अब अपने ये पाथ कंटिन्यू करता हूँ थिएटर वाला, तो मतलब मैं बॉम्बे जाऊँगा, ऐसा तो नहीं कोई बैठा हुआ मेरे लिए ऐसे कि आओ अंकुश जी आ रहे हैं मूवी लेके, है ना, तो मेरे को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए पापा को पैसे देने पड़ेंगे, पापा पैसे देंगे तो मतलब और खर्चा, जो कि मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ 4 साल, बहुत ज़्यादा, मतलब 25-30 लाख रुपए एजुकेशन पे खर्चा कर चुके हैं मेरी। तो मैंने डिसीजन लिया कि कुछ करते हैं। तो मैंने सोचा कि क्या कर सकते हैं, कि अपन ने कंप्यूटर साइंस कोर तो कुछ ज़्यादा पढ़ा नहीं है, ठीक है, और अब मैं कोर में चला भी जाऊँगा तो कोई मेरे को क्या दे देगा भाई, 25-30 हज़ार की नौकरी, उससे अपना कुछ होने वाला है नहीं। फिर मैंने सोचा कि यार बिजनेस आता अपने को, सेल्स आती हैं करने, कुछ सेल्स मार्केटिंग में देखते, क्योंकि सेल्स में मैंने सुना था कि पैकेज अच्छे मिल जाते हैं, अगर तुम्हें अच्छे, तुम्हारे पास बेचने की स्किल है तो तुम्हें अच्छे पैकेज मिल जाते हैं, ग्रोथ भी अच्छी होती है। तो सबसे पहला ही मेरे प्रेफरेंस आया कि बायजूस में अप्लाई करो, सबसे पहले वो अप्लाई किया वहाँ पे, तो हो गया। उसका WhiteHat Jr चला था उस टाइम पे ज़्यादा, जानता हूँ, हाँ। तो WhiteHat Jr में मैनेजर की जॉब प्रोफाइल थी, नाइट शिफ्ट में काम करना होता था, वो देते थे 13.5-14 लाख का पैकेज शायद WhiteHat Jr, लेकिन कंपनी तो पेरेंट कंपनी तो BYJU'S है, बट हाँ WhiteHat Jr जो था वो उनका अलग पैकेजेस होते थे okay. उसमें भी कुछ सेल्स मैनेजर की प्रोफाइल थी, 13.5-14 लाख का पैकेज था ठीक है. तो एक वो क्रैक किया था मैंने, फिर वो आ गया कि यार मैं अच्छा क्रैक कर सकता हूँ अच्छे पैकेजेस, मतलब मैं इंटरव्यूज में बहुत अच्छा था कि वही होता है ना कि बेच के दिखाओ, अरे बेच देंगे अपन क्या जा रहा है. तो उसके बाद नेक्स्ट मेरा मैंने लिंक्डइन के थ्रू एक कंपनी में अप्लाई किया जो कि रियल इस्टेट कंपनी थी और वो पैकेज ऑफर कर रहे थे 26,28,000 का. तो वो 3-4 राउंड का इंटरव्यू चला अपना और मैंने वो क्रैक किया. अच्छा हाँ, तो जब वो 26,28,000 का लगा मैंने कहा यहाँ पे रुक जाते हैं, ये बेस्ट है. 26,28,000 का पैकेज, मैंने कहा ये बेस्ट है, इसको उठाते हैं. तो उसमें ये था कि इमीडिएट ज्वाइनिंग थी कि जनवरी में मेरा वो हुआ था और 15 फरवरी को मेरी ज्वाइनिंग थी. फरवरी में मैंने वो ज्वाइन कर लिया और फरवरी में मैंने मार्च काम किया और मार्च के एंड में मैंने जॉब छोड़ दी. और कि आपने रियल एस्टेट का इंटरव्यू क्रैक किया, इतने डिफरेंट आप बैकग्राउंड से आ रहे थे, बायजूस में किया, समझ में आ रहा है. रियल एस्टेट में उन्होंने आपसे कैसे पूछा एंड हाउ दे कन्विंस टू हायर यू? जो फर्स्ट 3 राउंड्स थे ना उसमें तो सिमिलर इंटरव्यूज थे जो कि बायजूस में थे. थर्ड राउंड के बाद उन्होंने मेरे को एक वो दिया था, क्या बोलते उसको, एक प्रोजेक्ट दिया था कि ये करके लाना है. तो उसमें यह था कि हैदराबाद में मेरा जॉब था, हैदराबाद के एरियाज के बारे में स्टडी करना था. तो उनके जैसे 3 प्रोजेक्ट्स थे, 3 अलग अलग. शादनगर में प्रोजेक्ट था, एक सिकंदराबाद में उनका ऑफिस, अलग अलग जगह पे लोकेशंस थी. तो उन लोकेशंस के बारे में स्टडी कि उनके सराउंडिंग में क्या क्या फ्यूचर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं ना, कि रियल एस्टेट में क्या है, कोई भी तुम्हें प्लॉट बेचना है तुम्हें उस प्लॉट के सराउंडिंग में क्या चीज़ आ रही है ना, उसका नॉलेज होना चाहिए, उसका वैल्यू क्यों इंक्रीज होगा, ये चीज़ का नॉलेज होना चाहिए आगे चल के. तो मैंने वो सब मतलब मैं 4 साल रहा हूँ चेन्नई में लेकिन मेरे को चेन्नई में एसआरएम के 5 किलोमीटर के बाहर का कुछ पता नहीं है. ठीक है, मैंने एक्सप्लोर ही नहीं किया. लेकिन मैं हैदराबाद में रहा भी नहीं, एक बार गया भी नहीं हूँ, लाइफ में कभी नहीं गया. लेकिन मेरे को हैदराबाद के चप्पे चप्पे का नॉलेज एक हफ्ते में हो गया था. रिसर्च की थी. तो मेरे को जैसे मतलब वो उन्होंने अप्रूव किया, अप्रूवल दे के जैसे ही मैं लैंड हुआ हैदराबाद में, मैंने लैंड होते अपने जो उसमें क्या होता है ना कि तुम्हें बनाने पड़ते हैं, ब्रोकर्स बनाने पड़ते हैं, अपने अंदर एजेंट बनाने पड़ते हैं. मैंने उतरते सबसे पहला एजेंट बनाया था एयरपोर्ट से उतरते ड्राइवर, जो मेरे को कैब ड्राइवर मिला था. मेरे को कैब ड्राइवर मिला था, मैंने उसको उससे ऐसे बात की कि जैसे मैं रहता ही हूँ इधर से कितने सालों से, सेम एक्सेंट में कि हैदराबाद जो एक्सेंट है वो एक्सेंट मैंने थोड़ा कॉपी करने का ट्राई किया था. तो उससे ड्राइवर से बातचीत करते हुए कि मैंने कहा कि ये यहाँ पे प्लॉट्स हैं, कैसा कैसा भाव चल रहा है ना. तो वो कहता है कि ऐसे ऐसे फलां फलां भाव चल रहा है. मैंने कहा कि ऐसे आपके पास रोज लोग आते हैं गाड़ी में बैठते हैं, तो आप उनको ऐसे बताना कि इस जगह पे ऐसे ऐसे प्लॉट्स हैं, तो अगर आप एक प्लॉट बेचोगे मैंने कहा आपको 15,000 रुपये पर प्लॉट मिलेगा. तो वो उनको एक्साइट किया. तो मैंने कहा कि आप कितना, तो कहता है कि मैं महीने का 15,000 बनाता हूँ. कैब ड्राइवर जो है कहता महीने का 15,000 बनाता हूँ. ठीक है, तो मैंने कहा कि अगर आप महीने का 15,000 बनाते हो तो मैं आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ कि आप महीने में अगर 2 प्लॉट भी बेच दो आप 30,000 बनाओगे. तो वो मेरा पहला एजेंट था. उसके बाद मैंने दूसरा एजेंट बनाया. तो जब ये मैंने ये बात अपने ऑफिस में जाके अपनी एचआर को बताई, तो एचआर जो थे, मेरे एचआर का अच्छा रिलेशन था, तो एचआर को मैंने बताया कि मैंने ऐसा ऐसा किया है. तो एचआर से लाइक कि यू डोंट हैव अथॉरिटी टू डू दिस अभी, कि तुम्हारे जो ऊपर का कैडर है ना उसके पास ये अथॉरिटी होती है कि तुम एजेंट्स बना सकते हो, कि अकाउंट्स खुलवा सकते हो, उनके ऑफिशियल अकाउंट खुल सकते हैं. तो मैंने कहा कि मेरे को अथॉरिटी कैसे मिलेगी. तो फिर उन्होंने मेरे सीनियर से बात की, जो मेरे एजीएम थे, उनको उन्होंने ये स्टोरी बताई जिन्होंने मेरे इंटरव्यूज लिए थे. तो मेरे एजीएम ने मेरे को day 2 पे प्रमोट कर दिया. मैं गया था वहाँ पे एज अ एमई मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, मैं जाके एमओ हो गया वहाँ पे मार्केटिंग ऑफिसर विदिन 2 days. किस एज में आपने ज्वाइन किया था ये मैंने 21 में ज्वाइन किया था. 21 में? हाँ. मतलब आफ्टर योर इंजीनियरिंग की डिग्री तो मेरी मई में होने वाली थी, मेरे को मैंने फरवरी में ज्वाइन कर लिया था. फरवरी में ज्वाइन कर लिया था. और आपने मतलब हैदराबाद में जाकर मार्केट रिसर्च की थी या फिर पहले ही? रिसर्च मैंने पहले ही कर ली थी. कि लाइक कैसे काम करना है, कि मेरे को जैसे लोकेशन आ गई कि शादनगर है. ठीक है, तो अगर मैं गूगल पे डालूंगा कि अपकमिंग गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स इन शादनगर, अपकमिंग टेक प्रोजेक्ट्स इन शादनगर, तो उसमें एक सबसे मेन पॉइंट आया था कि अमेजोन जो था वहाँ पे एक बहुत बड़ा कुछ टेक से रिलेटेड खोलने वाला था. मेरे को उसका एग्जैक्ट नाम तो नहीं पता, लेकिन एक बहुत बड़ा अमेजोन का वेयर हाउस, हाँ अमेजोन का बहुत बड़ा वेयर हाउस हुआ उस जगह पे खोलने वाला था. जो कि शायद अभी खुला नहीं है लेकिन खुलने वाला है. तो वो एक बहुत बड़ी न्यूज़ है. तो उसको हमने वहाँ पे एज अ सेलिंग पॉइंट रखा था. तो जब मैंने कंपनी ज्वाइन करी थी, मैंने यूट्यूब पे बहुत बड़ा वीडियो बनाया था शादनगर को लोकेशन को लेके कि यार ये लोकेशन बहुत ज़्यादा जाएगी. वो प्लॉट था वहाँ पे 4500 पर स्क्वायर यार्ड का. आज की डेट में प्रेजेंट वैल्यू अगर आप उस जगह की चेक करोगे इट इज़ अराउंड 18,000 पर स्क्वायर यार्ड. तो ऑलमोस्ट 3.5x का ग्रोथ हुआ है 4500 से 18,000 पर स्क्वायर यार्ड, ठीक है, ऑलमोस्ट 3.5x का ग्रोथ हुआ है। टाइम पता कितना है, सिर्फ 2 साल, विद इन 2 ईयर्स। तो ये मैंने आज से 1.5 साल में जब मैंने ज्वाइन करी थी तभी प्रेडिक्ट कर लिया था कि यहाँ पे ऐसा सा होगा। तो उस टाइम पे जितने भी हमने जिन भी लोगों को हमने प्लॉट्स वगैरह ये सेल करे थे, मतलब मैं तो नहीं सेल करता, मेरे अंडर एक टीम मैंने बनाई 90 to 100 लोगों की, जिनको मैं ट्रेन करता था, जिनको मतलब ऐसा था कि नॉर्मल लोग हैं जो कि बहुत ज्यादा कमाते नहीं है, लेकिन मैं उनको ट्रेन ऐसे किया, उनको ऐसे कपड़े पहनाए, मतलब समझ गया। मेरा तरीका था कि जैसे मेरे को अगर मान लो मंथली 2.5 लाख मिल रहा है ना, तो मैं 50,000 1 लाख खर्च करता था उन पर कि अच्छा सूट बूट, ठीक है, कैश होना चाहिए जेब में 5,000, सो दैट कि जब भी हम अगर मान लो मैं सूट बूट पहन के आता हूँ, ठीक है, मैं पर्स निकालता हूँ, तुमको कुछ भी पेमेंट करता हूँ, 500 रुपया कैश देके पेमेंट करता हूँ, सब इम्पैक्ट पड़ता है, तब बंदा तुम पे सीरियसली इंटरेस्ट लेता है कि हाँ यार ये बंदा कुछ कह रहा है, सुनो। तो इस तरह से हमारी मेरी स्ट्रेटेजी होती थी कि ऐसे बेचो। हाँ, तो मेरे को पर प्लॉट एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलते थे ना, मतलब करीब हर प्लॉट पे मेरे को 50,000 रुपये इंसेंटिव। कितने टाइम तक आपने जॉब की होगी? ये मैंने सिर्फ यार 2 महीने जॉब करी। 2 महीने जॉब की। 2 महीने में आपने कितने की सेल की होगी समथिंग? 2 महीने में मैंने फर्स्ट मंथ में मैंने की थे 10 प्लॉट सेल। ओके। सेकंड मंथ में मैंने 70 प्लॉट सेल किए। 70, 10 से सीधा 70। एक प्लॉट की कॉस्टिंग क्या होगी? मैंने फर्स्ट मंथ में टीम बिल्ड करी थी। ओके। फर्स्ट मंथ में मेरा मतलब मेरा काम नहीं था कि मैं ग्राउंड पे जाऊँ, टीम बिल्ड करते हुए आपने 10 प्लॉट सेल कर दिए। हाँ, मेरा काम नहीं था कि मैं ग्राउंड पे जाऊँ, मेरा काम था ऑफिस बैठूँ। लेकिन मैं भाई सुबह 9 बजे निकलता था मेट्रो में और अलग अलग जगह पे बाजारों में घूमता था, सड़क पे, ये मेरा काम नहीं है, लेकिन मैं घूमता था, मैं टीम बिल्ड करता था। मैंने 1 महीने के अंदर 16 लोगों की टीम खड़ी करी थी अपनी, ठीक है, और मेरे जो सीनियर थे कि आजाद सर थे वहाँ पे, मतलब वो भी उल्टा मेरे साथ चलते थे कि तू, मतलब एक अच्छी स्ट्रेटेजी है ये कि तू अच्छा काम करे, चलो साथ में। तो मेरे सीनियर मेरे साथ चलते थे। तो 16 लोगों की जो हमने टीम बिल्ड करी ना, 100 लोगों ने अगर 1-1 प्लॉट भी बेच दिया, मैंने ये सब मैंने कहा इन्होंने 1-1 भी प्लॉट बेचा ना 1 महीने में, 100 प्लॉट बिकेंगे, उनमें से 100 में से चाहे 10-20 ने काम नहीं किया होगा, 80 लोगों ने काम किया, उनमें 80 में 70 लोगों ने सक्सेसफुल प्लॉट्स बेचे। ओके। 1-1 प्लॉट, मैंने 1 भी प्लॉट पे काम नहीं किया दूसरे महीने में, 1 भी। 70 प्लॉट उन्होंने बेचे। एक प्लॉट की कॉस्टिंग समथिंग क्या होगी? प्लॉट की वहाँ पे कॉस्टिंग थी 7 लाख रुपया, उसमें इसलिए बिकते थे क्योंकि वो EMI पे 7 लाख रुपए। तो मिनिमम आपने समथिंग दूसरे महीने में 4.5 करोड़ के आसपास की बहुत कंपनी को, हाँ, उस टाइम पे हमने सेल आपने सेल करके अगर मैं 1 महीना और वहाँ पे रुकता तो कंपनी कहते कि जो अच्छे सेल्स करते थे उनको प्रमोशन मिलती थी, इंसेंटिव एक्स्ट्रा मिलते थे, प्लस इंटरनेशनल ट्रिप्स मिलती थी। ओके। तो पर क्योंकि मेरे को एक स्टार्टअप आइडिया आ गया था तो मेरा था कि उस पर काम करना, मतलब ट्रिगर हो गया हूँ मैं। कोविड से पहले फादर का बिजनेस कैसा चल रहा था? लगभग अच्छा, बहुत अच्छा चल रहा था। तो फिर सरकारी स्कूल में क्यों पढ़ाई की? जब बिजनेस उन्होंने किया ना 2014 में, बिजनेस उन्होंने किया है। अच्छा। 2014 में 14 साल उम्र थी मेरी, मैं 9th में पढ़ता था। ओके। उससे पहले मेरी फैमिली की सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि मेरे को अच्छे स्कूल में पढ़ा पाऊँ, ठीक है, पहला ये। दूसरा, हमारे एरिया में सरकारी स्कूल में ज़्यादा अच्छी पढ़ाई है देन प्राइवेट स्कूल। तो आप कौन से एरिया से हैं? लगभग बंगाणा, ऊना, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। हाँ। तो इसका मतलब वहाँ की सरकार जो है वो अच्छा काम कर रही है इस चीज़ को लेकर। गवर्नमेंट स्कूल्स की एजुकेशन बहुत अच्छी है, हमारे से तो बहुत अच्छी। अभी का मैं सिनेरियोज मैं नहीं बता सकता हूँ गवर्नमेंट स्कूल्स का। अच्छा, मतलब मतलब गवर्नमेंट स्कूल्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनका कॉन्फिडेंस हमेशा इतना हाई क्यों रहता है? क्योंकि यार हम लोग, अच्छा एक्चुअल में ऐसा है वैसे? ऐसा है, मैं इसका रीज़न बताता हूँ तुमको। क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में ना हर तरह का स्टूडेंट है। ओके, ठीक है। वहाँ पे जैसे मैं कह रहा हूँ हमारे स्कूल में अच्छी एजुकेशन, तो अच्छी एजुकेशन है तो अच्छे अमीर लोगों के बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं, गरीब लोगों के बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं, सब मिक्स्ड है। तो वहाँ पे सीखने के लिए बहुत कुछ है, चाहे एक बड़े से आप क्या सीख सकते हो, छोटे से क्या सीख सकते हो, हर तरह से। और सरकारी स्कूलों में मेरे हिसाब से एजुकेशन से ज़्यादा सोशल वैल्यूज़ पर ज़्यादा मेरे हिसाब से काम होता है, जो कि हमारे टाइम की बात करूँ कि हमारे टाइम पर जो होता था। तो उस वजह से बहुत मेरे हिसाब से एक पर्सनल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो कि कॉन्फिडेंस में हेल्प करता है। अब ये मैं नहीं बोलूँगा कि सब में होता होगा, बट मोस्टली सरकारी स्कूल से जितने पढ़े लिखे जो बच्चे निकलते हैं वो हमने देखे हैं यार। अब तुम कोई भी IAS उठा लो, मोस्टली IAS सरकारी स्कूल से निकलते हैं। सही बात है, क्योंकि वो यार छोटे घरों से निकले अपन। जैसे अगर मैं फर्स्ट 14 साल की बात करूँ तो 14 साल जैसे बहुत स्ट्रगल में गए हैं, स्ट्रगल गए हैं, मतलब तो पापा वगैरह ने मेहनत की है ना, तो उस मेहनत को एक्नॉलेज मैं करता हूँ। लेकिन अब अगर मैं वो 14 साल नहीं होते मेरी ज़िंदगी के, तो आज मैं यहाँ पे नहीं होता जो मैं आज कर रहा हूँ, क्योंकि फिर मैं वैल्यू नहीं देता हूँ उस चीज़ को। जितनी अच्छी हमारी प्लानिंग होती है, हाँ, आधा काम वहीं पे ख़त्म हो जाता है कि तुम क्या प्लानिंग करते हो, कितने अच्छे से प्लानिंग करते हो। जब मैंने थिएटर डायरेक्ट किया है, प्लेस डायरेक्ट किया है, तो तब मैंने चीज़ सीखी है, लीडरशिप, है ना। तो जब आप थिएटर डायरेक्ट करते हो ना, प्ले, तो प्ले तो आप बाद में बनाते हो, उसको बनाने से पहले ही 150 बार 200 बार अपने दिमाग में उसको देख चुके हो कि वो कैसा दिखेगा, अपनी इमेजिनेशन पूरी स्क्रीनिंग चल रही होती है, ऐसा लगता है कि मैं सेम चीज देख रहा हूँ, चाहे वो फिल्म कुछ भी है। अब ये सेम चीज मेरे हर काम में दिखती है, या मेरा माइंडसेट ऐसा है कि मैं कोई भी काम करना है ना, तो वो काम तो बाद में होगा, पिक्चराइजेशन पहले आ जाता है दिमाग में कि मैं ऐसे ऐसे करूंगा, एग्जीक्यूशन ऐसे करूंगा, मैं बस वही फॉलो करना है मेरे को कि हाँ ये एक कदम ऐसे रखना है, एक कदम ऐसे रखना है, बस नाइस एग्जीक्यूटेड इजीली। अब ना आपकी मेन स्टोरी पर भी मैं थोड़ा सा आना चाहता हूँ कि लाइक ये सारी चीजें, आपने जॉब छोड़ी जी, आइडिया दिमाग में कैसे पिंच किया कि इस चीज से रिलेटेड करना है, फर्स्ट स्टेप आपने क्या लिया? तो एक स्टोरी बताता हूँ मैं, जो कि शायद कहीं भी नहीं मैंने शेयर करी है, चाहे मेरा खुद का सोशल मीडिया हो गया, कहीं भी। हुआ ये था कि जब मैंने रिलीज टर्न की थी ना कंपनी, उस कंपनी में सबसे टॉप मोस्ट पे सेकंड टॉप मोस्ट थे GM सर। ओके ठीक है, तो वो GM सर आर्मी से आए थे और हैदराबाद में सेटल हुए थे, बंगाली थे वो। उनका ये था कि 5 साल से ज़्यादा वो सेम घर में नहीं रहते थे और 5 साल से ज़्यादा कोई गाड़ी नहीं रखते थे। ओके, तो हर 5 साल में गाड़ी और घर दोनों बदलते थे। ठीक है, ये उनका था। उनका मेरे हिसाब से महीने का ज़्यादा नहीं तो रियल मतलब उस कंपनी से 18-20 लाख का चेक आता होगा मेरे हिसाब से, मंथली का, जो कि मैं गैस कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है कितना कितना सब लेवल पे अर्न करते थे, तो उनका इतना आता होगा। अब वो एक स्टेज पे थे कि जब वो एक परमानेंट घर बना रहे थे, ठीक है, और एक परमानेंट गाड़ी ले रहे थे। तो जब उनने घर बनाया तो उन्होंने उस जिस दिन घर उनका भी बन रहा था, लेकिन उन्होंने एक नया फ्लैट लिया, 5 साल की स्टडी चल रही थी, तो फ्लैट की पूजा में उन्होंने सारे स्टाफ को इन्वाइट किया था। तो हम गए थे, पूजा वूजा की, फ्लैट देखा हमने, उसके बाद उन्होंने हमें अपना घर दिखाया जो बन रहा था। ओके, तो जो घर बन रहा था उसकी वैल्यू थी 5.5 करोड़ रुपया। ओके, 5.5 करोड़ का वो घर बना रहे थे। तो मैंने देखा कि यार मैं इस कंपनी में रह के ये तो अचीव कर सकता हूँ, मेरे लिए बहुत था ना 5 करोड़, तो तब कभी जिंदगी में सोच ही नहीं सकते हम 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ तो सोच ही नहीं सकते ना, लेकिन 5.5 करोड़ का घर, मैंने कहा कि यार इस कंपनी में रह के मैं 5.5 करोड़ का घर तो बना सकता हूँ, या हर 5 साल में एक फ्लैट ले सकता हूँ, तो अच्छा लगा। फिर क्या हुआ कि काम करते करते मेरे मीटिंग्स हाई लेवल क्लाइंट्स से होती थी, सभी मतलब जितने भी क्लाइंट्स सब बड़े क्लाइंट्स थे। तो मेरे एक क्लाइंट थे जुबली हिल में, जुबली हिल्स प्राइम लोकेशन है हैदराबाद, वहाँ पे मैं गया था एक जगह पे एक क्लाइंट से मिलने, तो उन्होंने मेरे को BMW भेजी थी पिक करने के लिए। ठीक है, पहली बार मैं BMW में बैठा था, उनके घर पर गए हम, बड़ा सा गेट लगा है, गेट पे करीब 3-4 सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े थे, गेट खुलता है, सैल्यूट बजता है, अंदर घुसते गाड़ी रुकती है, गाड़ी से डोर खुलता है, खुद कोई गार्ड को डोर खोलते हैं, मैं उतरता हूँ, डोर पे खड़े होते हैं तो ऊपर से आवाज़ आती है कि ब्रिंग हिम अप, ऊपर आओ, ऊपर जाते हैं हम। सबसे टॉप फ्लोर पे एक अंकल जी थे, करीब 60-65 साल उनकी उम्र होगी, उनसे मीटिंग थी, तो उनके साथ बैठे अपन, समझ लो कि उन्होंने बोला कि क्या खाओगे, तो मैंने कहा कि बहुत दिनों से घर का खाना नहीं, वैसा कुछ खाते हैं। पूरा टेबल भर गया, अलग अलग चीज़ें खाना खाया। उसके बाद क्वेश्चन है कि चाय क्या पियोगे, चाय कॉफ़ी, चाय कौन सी? मैंने कहा चाय में क्या कौन सी होती है, चाय होती है। पर कहे नहीं, असम, दार्जिलिंग, अलग अलग ऐसा नाम ले दिया उन्होंने। फिर कहते कि एक मेरा स्पेशल मसाला है, वैसे मैं वो पीता हूँ। मैंने कहा तो आप वही ले आओ। वो जो प्रॉपर्टी थी ना, कम से कम भी वो 150 करोड़ की प्रॉपर्टी होगी। ओके, जिसमें वो रह रहे थे। घर की तो मैं कोस्टल की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब घर प्रॉपर्टी की वैल्यू इतनी होगी जुबली हिल्स में। मेरे को ये स्ट्राइक हुआ, जैसे मैं उतरा ना वहाँ से लिफ्ट में, वो ऊपर से नीचे की जो जर्नी थी ना, उसमें मेरे दिमाग में ये स्ट्राइक, मैंने कहा कि यार इस कंपनी में रह के मैं ये तो कभी अचीव नहीं कर पाऊंगा। एक लिमिटेशंस आ जाएंगे, क्योंकि समझ कि कल मैं घर पे आया हूँ, जाके आया हूँ 5.5 करोड़ रुपए की, जहाँ पे मैं ये अचीव कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये GM है, बहुत साल से इधर है, 15 साल से, मैं ये कर पाऊंगा, लेकिन मैं ये अचीव नहीं कर पाऊंगा, तो मेरे को तो ये चाहिए। अब जो मैंने देख लिया, तो मैंने कहा कि इसके लिए क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं इसके लिए। फिर ऐसे मैंने कहा चलो कोई नहीं, कंटिन्यू द जर्नी, जहाँ पे हैं अभी इसी को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट में मिला एक क्लाइंट से, साड़ी मैन्युफैक्चरर। वहाँ पे हमारी बातचीत हुई, मैन्युफैक्चरर से साड़ी इंडस्ट्री के बारे में बातचीत हुई, चेन के बारे में बातचीत हुई कि कैसे 300-400-500 की साड़ी जो मार्केट में 1500-2000 की बिकती है, बिकॉज ऑफ द होल चेन, कि मैन्युफैक्चर से डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, एंड देन फाइनली कंज्यूमर। तो हर स्टेज पे अगर 10-10%, 5-10% भी अगर कोई लेता है, तब भी जाके वो 1500-2000 आराम से हो जाती है। अब ये कस्टमर बिलीव नहीं करते इन चीज़ पे कि मैं कह रहा हूँ कि 1500-2000 की है, मतलब मैं कह रहा हूँ गारंटी, मतलब हम अपने प्लेटफॉर्म पे अब नहीं बेचते हैं सस्ती साड़ियाँ। अब हमारे प्लेटफॉर्म पे मिनिमम साड़ी 1500 या 2000 की होगी, जब हमने स्टार्टिंग की थी तो हमने 400-500 की साड़ियाँ बेची हैं, 1000-1200 की बेची। मतलब डायरेक्ट आपने फैक्ट्री यानी कि जो मैन्युफैक्चरर है हाँ, वहाँ से आपने। अब हम उन्हीं से लेते हैं, अभी भी हम उन्हीं से लेते हैं, लेकिन अब मैं बिलीव करता हूँ क्वालिटी पे ज़्यादा, क्योंकि हमारे पास एक अलग ऑडियंस भी है, लोग हमें जानते हैं और अच्छे लोग हैं। दूसरा है कि मेरे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि मैं कस्टमर को एक अच्छा प्रोडक्ट दूँ। तो आपके ई कॉमर्स स्टोर का आपने नाम कैसे डिसाइड किया? thedeeva.com। हाँ, ये डिसाइड किया था हमने, एक्चुअली टीम थी मेरी तब स्टार्टिंग में, तो हम डिसाइड कर रहे थे क्या क्या नाम रखना है, क्या क्या नाम रखना है। तो मेरी मम्मी का नाम है ज्योति, ठीक है। ज्योति इसलिए पड़ा था कि उन्होंने दुकान, मेरी मम्मी ने 2004 में एक रिटेल शॉप चालू की थी जिसका नाम रखा था हमने ज्योति जनरल स्टोर। उसका मेरे पापा ने दुकान करी, दुकान का नाम रखा हमने ज्योति क्लोथ हाउस। तो लोग मेरी मम्मी को ज्योति के नाम से जानते हैं। ज्योति एक सेक्रेड लैंप होता है, जब मैं पूजा करते ज्योति लाई जाती है ना, तो जब उसमें नाम है तो उसमें नाम था दीवा। हमारे पंजाबी में दीवा बोला जाता है जो पूजा के टाइम, समझ गया, दिया जलाते हैं, दिया जलाते हैं दीवा। तो वो दोनों आपस में कनेक्टेड हुए। फिर पापा ने कहा कि जैसे ठाकुर जी ने बोला कि ज्योति जलाई थी तो आज तक जल रही है वो, तो दीवा भी जलता रहेगा, तुम दीवा रखो। पापा को भी अच्छा लगा ना, मम्मी को भी बहुत अच्छा। तो अभी आपने बोला कि आपके जो फादर थे हाँ, उनका जो स्टोर था उसका नाम था ज्योति क्लॉथ हाउस। सबसे पहले मेरी मम्मी की दुकान थी, मम्मी की थी, उसके बाद पापा ने रखा। तो इट मींस कि कहीं ना कहीं आपके फादर ऑलरेडी इस बिजनेस में थे। वो हाँ, साड़ियों के बिजनेस में। वो साड़ियों में नहीं है, वो सलवार सूट के, सलवार सूट में जो कि, लेकिन वो कुल मिला के कपड़ों के बिजनेस में थे। वहां से आपके माइंड में ये चीज स्ट्राइक की? क्योंकि मेरे मतलब इसलिए करी क्योंकि कपड़ा में मैं बचपन से रहा हूँ ना, ठीक है, क्योंकि बचपन में मम्मी की दुकान पे जाते थे तो वहाँ से नॉलेज गेन हो जाता था, पापा की दुकान पे जाते थे वहाँ से नॉलेज गेन हो जाता था। तो मतलब पता है मेरे को कि यार सिल्क क्या है, कॉटन क्या है, सब कपड़ा पता है मेरे को। मतलब फिर जैसे अब कोई आपके सामने आके बता रहा है यार ये तो शर्ट मेरी 2000 की 2500 की, तो हंसी आ जाती है सुनकर, कितना सही है कितना गलत। कपड़े का तो पता है ना यार कि कौन सा कपड़ा क्या है ना, तो बचपन से नहीं है और वहीं से सीखा मैंने कि कैसे बेचना है। खून में है, मेरे ब्लड में है, ये धंधा करना ब्लड में है। मेरे दादा बिजनेस करते थे, मेरे पापा बिजनेस करते हैं, मम्मी बिजनेस करती है, मेरे ताया जी बिजनेस करते हैं, मेरे कजन बिजनेस करते हैं, और मेरे कजन भी कपड़े का बिजनेस करते हैं, मेरे पापा भी कपड़े का बिजनेस करते हैं, मेरी मम्मी कपड़े का बिजनेस करते हैं, मेरे दादा भी कपड़े का बिजनेस करते थे। तो मेरे दादा करते थे कि वो फेरी लगाते थे, फेरी वाले थे पर बेचते कपड़ा थे। मेरे पापा ने और अच्छे ढंग से उसको किया, उन्होंने 27 साल एक्सपीरियंस लिया शोरूम में, उसका उन्होंने किया। मेरी मम्मी को सिचुएशन की वजह से स्टार्ट करना पड़ा। अगर मेरी मम्मी बिजनेस स्टार्ट नहीं करती तो मेरे पापा बिजनेस नहीं कर पाते, और मेरे पापा बिजनेस नहीं कर पाते तो मैं अच्छी कॉलेज में नहीं पढ़ पाता, और मैं अच्छे कॉलेज में नहीं पढ़ता तो मैं शायद ये बिजनेस नहीं खोलता। तो वो तो वहां से तो मेरे को आया था, तो इसलिए वो जो नाम हमने दीवा पड़ा है, क्योंकि ज्योति से हमने शुरुआत करी थी 2004 में, और उसकी वजह से सब हमारी लाइफ में अच्छा हुआ। तो जब हमने नाम डिसाइड किया कि पापा ने बोला ज्योति रख लो, पर क्यों था कि सेम नाम नहीं रख सकते थे क्योंकि वे स्टार्टअप में करने जा रहे थे हम कंपनी, तो फिर दीवा हमने रखा था। ओके तो अभी जो जैसे जब आपने शुरुआत की इसमें नाम रखा, ठीक है, तो जब आप स्टार्टिंग करने जा रहे हो, आपने स्टार्टिंग में तो सिर्फ इसको केवल साड़ियों तक ही रखा था ई कॉमर्स स्टोर को आपने? अभी भी साड़ी में ही है, अब भी साड़ी में। स्टार्टिंग में ई कॉमर्स स्टोर नहीं था, स्टार्टिंग में हमने बनाया था इसको प्लेटफॉर्म, मोबाइल एप्लीकेशन था। और ऐसा था कि मेरा अभी भी यही है लॉन्ग टर्म विजन कि मैं अमेजोन फॉर साड़ीज बनाना चाहता हूँ। जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट एक प्लेटफॉर्म है जिसमें कि सब कुछ मिल रहा है, एक समझ गया मैं, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म साड़ीज के लिए कि जहाँ पे हर तरीके की लेडीज को, हर तरह की कैटेगरी जो इंडिया में बनती है, सीधा मैन्युफैक्चरर से कस्टमर को, एक ऐसा प्लेटफॉर्म। अभी आपके इस प्लेटफॉर्म की मैं बात करूं तो समथिंग आपका ये कितना रेवेन्यू जनरेट करके दे रही होगी मंथली? अभी ये इस टाइम पे मंथली हम 45-50 हिट करते हैं, 40 to 50 लाख मंथली। ये मार्च से इतना हमने हिट करना स्टार्ट किया है, ठीक है। मार्च हमने एंड किया था ऑलमोस्ट 22-25 पे, और लास्ट ईयर हमने स्टार्ट किया था अराउंड 7 लाख से। तो 7 to 25 का इस लास्ट ईयर में हमने जो है वो जनरेट किया है, और इस मंथ अभी हम 35-40 तक हिट कर चुके हैं, अभी 40-50 हिट कर रहे हैं, और विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स हम 70-80 तक हिट कर जाएंगे। विद इन नेक्स्ट थ्री मंथ। सेल्स कैसे लेके आते हैं आप अपने इस बिजनेस के लिए? तो स्टार्टिंग में अभी लास्ट मंथ से पहले तक हम पुश कर रहे थे, सीधा मेटा एड्स पे पुश कर रहे थे कि इतने का मार्केटिंग, 7x का 6x का ROI आ रहा था सेल्स, और 52% का नेट प्रॉफिट रख के बढ़िया प्रॉफिटेबल बिजनेस चल रहा था, और उसी को हम रीइन्वेस्ट करके ग्रो कर रहे थे, ठीक है। जिसमें मैंने कि 7 से 25 पे आया, तो 7 लाख तक आने के लिए मतलब हमने स्टार्ट किया है 10,000 से, समझ गया। तो 10,000 से 7 लाख तक हम लेके आए, उसके बाद 7 लाख से 25 तक लेके आए, 25 से 50 तक। तो इसी तरह से हम कर रहे हैं। मेटा एड्स के लिए मैंने कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ मैं, जो कि मेरी मार्केटिंग संभालते हैं, और अभी मैंने चीज़ें जो है वो बांट रखी हैं कि एक कंपनी को मार्केटिंग का काम दे रखा है, एक को सोशल मीडिया संभालने को दे रखा है, अपनी इन हाउस टीम बता रखी है, लिस्टिंग, प्रोडक्ट डिलीशन, कस्टमर हेल्पलाइन और ये सब चीज़ों के लिए। तो आप मार्केटिंग एड्स स्पेंड करके आप अपना बिजनेस ले आते हो, लेकिन बहुत सारे अदर ऑपरेशंस भी होते हैं एक बिजनेस को रन के लिए। तो सबसे पहले तो आपने एक ही मैन्युफैक्चरर से बात की थी, उसके बाद आपने ये ब्रांड्स अपने साथ और बढ़ाई कैसे, जोड़े कैसे, उन्होंने ट्रस्ट कैसे किया आप पे? सबसे पहला जो इस स्टार्टअप को शुरू करने का जो प्रॉब्लम थी, सबसे बड़ा चैलेंज जो था वो यही था कि मैं मैन्युफैक्चरर कैसे लेके आऊँगा। तो हमने पहले तो जब मैं जॉब करता तभी साथ में हम काम करते थे, ठीक है, तो काम करते थे। तो जैसे मान लो कि मैं सुबह काम हम करते थे, 10 बजे बैठते थे काम करने, करीब 1-1.5 बजे तक हम काम करते थे। तो उसमें यही काम होता कि मैन्युफैक्चरर सर्च करना हर स्टेट से। तो हमने ऐसा किया था कि स्टेट डालो, मैन्युफैक्चरर सर्च करो, लिस्ट बनाओ, फिर कैटेगरी डालो, कैटेगरी सर्च करो, मैन्युफैक्चरर डालो, लिस्ट बनाओ और कॉन्टैक्ट निकालो उनके, ठीक है, ये काम चलता था। फिर कॉलिंग करते थे उनको हम डेली, नेक्स्ट डे कॉलिंग करना, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा। और फिर से काम बढ़ते बढ़ते 1:30 बजे सब चले जाते हैं, मैं 2-2:30 बजे तक काम करता था। एक दिन सुबह 7:30 बजे तक मैं काम करता रह गया, 8:30 बजे मेरे को ऑफिस जाना था। तो मैंने 7:30 बजे फिर डिसाइड किया कि मैंने कहा ऑफिस मतलब तब तक आप उस समय कहीं और जॉब कर रहे थे? मैं वहीं रियल एस्टेट वाले की बात कर रहा हूँ, वहीं पे जॉब कर रहा था मैं। और उस समय आपने ये शुरू कर दिया था? मैं रिसर्च करना चालू कर दिया था, काम चालू कर दिया था, ठीक है, फाइन। हाँ, मैंने अनाउंस कर दिया था कि मैं ये करने जा रहा हूँ, तो मेरे साथ लोग जुड़ गए क्योंकि मेरा अच्छा पैकेज था, समझ गया। तो रात को हम काम करते थे, दिन में ऑफिस जाता था मैं। तो 1-7:30 बजे तक मैं करता रह गया एक दिन, 23 मार्च की बात है शायद। तो उस दिन मैंने डिसाइड किया कि यार मेरे को एक पाथ चूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज अब थोड़ा हेक्टिक हो रहा है ये, कि क्या मेरे में इतना इनफ कॉन्फिडेंस है कि मैं इतनी महंगी अच्छा हाई पेइंग जॉब छोड़ दूँ, ये इतने टीम मैंने बनाई है या इतना अब लोगों में, क्योंकि वहाँ पे नाम बन गया था 2 महीने में ऑफिस के अंदर, क्योंकि अच्छा एक टैलेंट था, मतलब मेरे हिसाब से सेल्स का बहुत अच्छा टैलेंट था, नाम बन गया था, इवन कंपनी के CEOs वगैरह भी जानते थे। छोड़ना अच्छा है क्या, सही डिसीजन है कि नहीं है? तो मेरे को यह है कि यार अगर मैं ये 28 लाख की जॉब ले सकता हूँ, तो अगर मैं फेल भी करूँ स्टार्टअप तो मैं वापस तो जॉब ले ही पाऊँगा, कभी ना कुछ कम की मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं ये रिग्रेट नहीं करूँगा कि मैंने इसको ट्राई नहीं दिया। तो उस दिन मैंने क्या हुआ कि कैमरा रखा, खुद के लिए वीडियो बनाया। मैंने कहा कि अंकुश, तू एक आइडिया पर काम कर रहा है और तू सही कर रहा है, इस आइडिया में बहुत पोटेंशियल है और बहुत अच्छा हम पैसा बनाएंगे। ये वीडियो तब डालेगा तू, ये वीडियो पब्लिक तब करेंगे जब स्टार्टअप बन चुका होगा, 3 महीने है तेरे पास, 3 महीने में स्टार्टअप बनाना है, लॉन्च करना है। दैट डे मैंने जॉब छोड़ी और मैन्युफैक्चर हो नहीं पा रहे थे, तो मैंने कहा उनसे पर्सनली मिलना पड़ेगा। लॉकडाउन था, मेरे को इसका प्लस पॉइंट ये मिला, दिल्ली गया मैं, दिल्ली में मैन्युफैक्चर से मिला पर्सनली, क्योंकि दुकानें बंद थी, पर्सनली मिला मैं। दिल्ली के बाद मैं मथुरा वृंदावन गया, आशीर्वाद लिया, बिहारी जी गए, वहाँ पर 1-2 मैन्युफैक्चर से मिले। सूरत गया मैं, अहमदाबाद गया, फिर मैं गया कोलकाता, वेस्ट बंगाल गया मैं, चेन्नई गया, कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट में गया कांचीपुरम साड़ीज़ के लिए, वापस हैदराबाद आया, हैदराबाद की साड़ीज़ जो वहाँ पे रहती हैं उनसे मिला। देन मैं वापस आया हिमाचल। ये सारा ट्रैवल करके, इस ट्रैवल के दौरान मैं शायद मिला हूँगा 1000-1500 मैन्युफैक्चरर से, जिसमें से सिर्फ 60 मैन्युफैक्चरर्स को मैंने ऑनबोर्ड किया था। 60 मैन्युफैक्चरर्स 45 तरह की कैटेगरी मैन्युफैक्चर करते थे, और ये जो 45 कैटेगरी थी, इनमें से 15-20 ऐसी कैटेगरीज जो कि आज तक इंट्रोड्यूस ही नहीं हुई थी ऑनलाइन। तो मैंने एक बहुत तगड़ी चीज़ क्रैक कर ली थी। दूसरी थी, इन पूरी जर्नी में मैंने इंडिया के 3rd West, 6th West और 9th West मैन्युफैक्चरर को ऑनबोर्ड कर लिया था। मेरे पास ना वेबसाइट थी ना ऐप था, सिर्फ एक तरीका था बात करने का, वो कन्विंसिंग स्किल थी मेरे में कि मैं कन्विंस कर पाया उनको। वही मैन्युफैक्चरर मेरे साथ आज भी बिजनेस कर रहे हैं, बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं हम, और वो नंबर 60 से अब 250-300 हो गया है मैन्युफैक्चरर्स का। लेकिन मेजर बिजनेस आज भी वही टॉप 10, मतलब 8-10 मैन्युफैक्चरर जिनके साथ मेजर बिजनेस हम करते हैं। तब हमने ये जो मैंने अपने मैन्युफैक्चरर्स आगे, जब मैंने ट्रैवल स्टार्ट कर दिया था और मैं पहला मैन्युफैक्चर आ गया था ना, उसी दिन हमने ऐप पे काम चालू करवा दिया था। तो जब तक मैं हिमाचल पहुँचा था वापस ट्रैवल करके, करीब मेरा ये चला था ट्रैवल 25 दिन तक का। 25 दिन के बाद जब मैं वापस पहुँचा था, ऐप रेडी था हमारा। जैसे ही ऐप रेडी था, सब कुछ रेडी था, लिस्टिंग चालू किया हमने, बग्स चेक किए। ऐप मार्च में मैंने जॉब छोड़ी थी, अप्रैल 17, 18, 19 को मैं शायद अपने घर पहुंचा था, या 20 को। अप्रैल मई में पूरा काम किया, सेटअप किया, और 15 जून को मैंने ये लॉन्च कर दिया था दीवा। 15 जून 2021 को। तो उसके बाद मैंने वो वीडियो पब्लिकली पोस्ट भी करी, मेरे पेज पे आज भी है, जिसमें मैंने बात की थी कि फ्यूचर टू फ्यूचर अंकुश, कि आप जो भी कर रहे हो आज सही कर रहे हो। और स्टार्टिंग में जब कोई परचेज कर रहा है एप्लीकेशन से और ये सारी चीज़ें डिफॉल्टेड भी आ जाती है, वो चीज़ आप कैसे ट्रैक करते थे फिर कि भाई रिटर्न कैसे देना है, रिफंड कैसे करना है, ये चीज़ें आपने कैसे मैनेज करी? स्टार्टिंग में कोई रिटर्न ही नहीं आता अपने को। अच्छा, मैं तुमको बताता हूँ क्यों। रिटर्न कैसे आएगा, प्रोडक्ट पता कहाँ से आ रहा है, जहाँ से बन रहा है, मैन्युफैक्चरर से आ रहा है, ना कि कहीं बीच वाले एरिया से आ रहा है। ओरिजिन पे कभी डिफेक्ट नहीं होता है मोस्टली। जो मैन्युफैक्चरर्स हैं ना, जो अच्छे मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके पास ये रहता है कि आप उनको 10 रुपये एक्स्ट्रा दोगे, जब भी आपके लिए वो पार्सल निकलेगा ना तो एक बार चेक होके निकलेगा, ठीक है। आप उनको 20 रुपये एक्स्ट्रा दोगे तो पूरा चेक होके अच्छा पैकेजिंग करके वो आपको देते हैं। डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से कस्टमर के पास जा रहा था, लाइक जैसे ड्रॉप शिपिंग हो रही थी उसकी। ड्रॉप शिपिंग मेथड पे आपने इतना बड़ा ई कॉमर्स स्टोर खड़ा कर दिया जहाँ लोग छोटी छोटी चीजें सोचते हैं कि कैसे होगा। तो मैंने ये मेरे को पता है कि ड्रॉप शिपिंग क्या होता है, मेरे को पता था कि ड्रॉप शिपिंग क्या होता है, मेरे को ये भी पता था कैसे काम करता है ई कॉमर्स, ये सब चीजें शॉपिफाई से। लेकिन मेरे को ये था कि वो तो यार किसी प्रोडक्ट एक अच्छा लेके आओ। आपने क्या काम किया, आपने खुद का ही प्रोडक्ट बना दिया कंपैरिजन टू दूसरे के प्रोडक्ट को ऑनबोर्ड या उसको बेचने के कंपैरिजन। हाँ, कि हमने खुद का ही जैसे ऐप बना दिया, जो कि मॉडल हमने ड्रॉप शिपिंग रखा और अच्छा प्रोडक्ट हम लेके आए, विनिंग प्रोडक्ट, कि ये विनिंग प्रोडक्ट आज का और इसी को अपन बेचेंगे। आज के टाइम पे इंडिया में ड्रॉप शिपिंग में पोटेंशियल है, मानते हो आप? प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है, पोटेंशियल तो है ही है। आज मतलब मेरे पापा ने खुद ही परसों एक ऑर्डर किया है, जो कि एक ऐड देखी उन्होंने और कुछ ऑर्डर कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि लोग ऑर्डर नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं, बट आजकल थोड़ा ना मार्केट निश के हिसाब से हो गया है। कि जैसे मैंने हमने साड़ी में निश क्रिएट करने जा रहे हैं, तो ऐसे कि अलग अलग निश के अलग अलग जो है वो ब्रांड्स या पोर्टल्स खुल चुके हैं, तो उस पर लोग ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं और उधर से ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं। बाकी ड्रॉप शिपिंग में तो लोग यार कितना पैसा बना रहे हैं महीने के, 4-5 करोड़ 10-10 करोड़ की सेल ड्रॉप शिपिंग से ही कर रहे हैं, तो डेडिकेशन भी चाहिए उसके लिए। आर्टिफिशियल ज्वेलरी और इन सारी चीज़ों की तरफ फिर कैसे प्लान बनाया स्विच करने का? मैंने स्विच नहीं किया है इनमें, मोस्टली मेरे इनमें जो भी हैं, जैसे दो दूसरा स्टार्टअप मेरा हैंडल का, तो वो ऐसा है कि वो मेरी खुद की प्रॉब्लम है। हिमाचल में फूड डिलीवरी, ग्रोसरी डिलीवरी, ये सब चीज़ें ऐप काम नहीं करते हैं वहाँ पे। जोमेटो इतना हाई लेवल पे काम नहीं करता है, मेरे एरिया में तो कुछ भी नहीं है। तो मेरे को था कि मेरे को खुद की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है कि यहाँ पर ऐसा कुछ होना चाहिए। तो हमने बनाया हैंडल, जो कि सब कुछ हैंडल करेगा। उसमें ग्रोसरी, फूड, सब कुछ हम देते हैं, स्नैक्स, और एट अ फिजिबल रेट। 10 रुपये डिलीवरी चार्ज है सिर्फ। ओके, 10 रुपये कि किसी को ऑर्डर करते हुए हिचक ऐसा ना हो कि नहीं यार, क्योंकि वहाँ पे मेरे को अभी आदत डालनी है, कस्टमर को एजुकेट करना है कि नहीं आप मंगवा सकते हो। तो जो चीज़ बाजार में 50 की मिलती है वो उनको 60 की घर पे मिल जाती है विद 10 रुपये डिलीवरी चार्ज। वो आप कैसे मैनेज करते हो? मान लो एक डिलीवरी वाला, किसी ने एक ही चीज़ ऑर्डर करी, उसको करने लॉस मेकिंग बिजनेस है वो। लॉस मेकिंग। ये सर साड़ी वाले से कवर करते हो फिर आप? ये साड़ी वाले से कि केवल आदत लगाने के लिए आप इसको कर। मैं ये गुड के लिए कर रहा हूँ, फॉर द गुड ऑफ हिमाचल, ठीक है। वो मेरी स्टेट है, उसने मेरे को बहुत कुछ दिया है, मैं उसको क्या दे सकता हूँ, मैं उसके लिए कर रहा हूँ। और ये अगले 1 साल तक लॉस मेकिंग रहेगा। अभी हम बड़ी सिटी में जाएंगे तो बड़ा लॉस होगा, है ना, लेकिन चेंज होगा, धीरे धीरे प्रॉफिट भी होगा, लेकिन एक बहुत बड़ा चेंज आएगा लॉन्ग टर्म में। जनरेशन तक याद रखा जाएगा कि हिमाचल में किसी ने शुरू किया था और हिमाचल में टैप किया था किसी ने, क्योंकि जोमेटो आके फेल होके निकल गया, स्विगी आके निकल गया हिमाचल से। अब सिर्फ 1-2 सिटी, गिनी चुनी सिटीज में जगह पे वो हैं जहाँ पे ज़्यादा क्राउड है, लेकिन बाकी जगह से निकल चुके हैं। लेकिन मैं उसको सक्सेस करूँगा वहाँ पर, मतलब हम मिल के सब सक्सेस करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हिमाचल में कैसे काम होना है, हमें उस लोकेशन का पता है, उस तरह से हम उसको करेंगे। फिर तीसरा हमने किया आहूति। हैंडल मेरा आइडिया था। अब इसमें मेरा को फाउंडर राजस्थान से, जो कि सब चीज़ें मैनेज करता है। मैं इसमें कभी नहीं आता, मैं इसमें सिर्फ महीने में एक बार मीटिंग लेता हूँ, चेक करता हूँ क्या चल रहा है, देन वी प्लान फॉर द नेक्स्ट मंथ एंड देन वी एग्जीक्यूट द प्लान फॉर द नेक्स्ट मंथ, देन फिर मैं अगेन मीटिंग लेता हूँ। देन नेक्स्ट स्टार्टअप वी लॉन्च्ड इज Aahuti.in। आहूति जो प्राइमरीली डेडिकेटेड है सनातन धर्म के लिए। ये मेरा आइडिया नहीं था, ये मेरे को किसी ने पिच किया था कि सर हम कुछ ऐसा बना सकते हैं क्या, जो कि खुद ब्राह्मण थे, जो कि मेरे को फाउंडर आज। तो उन्होंने मेरे को कि ऐसा कि हम ऐसी प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो हम कुछ ऐसा आप हमारे लिए बनाइए। तो मैंने कहा मैं बना तो सकता हूँ, लेकिन मेरे को प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं है उतना, कि मेरे को नहीं पता कि ये धोती अच्छी है नहीं है, है ना, कि आपको पता है ज़्यादा। तो मैंने कहा कि आप ज्वाइन करो। तो उन्होंने कहा कि थोड़ा मुश्किल होगा। मैंने कहा कि आप मंथली कितना जो है वो जो भी आप करते हो उससे मंथली आप कितना अर्न करते हो? तो उन्होंने कहा कि मैं मंथली 10,000 कमाता हूँ। मैंने कहा कि आपका आइडिया है, ठीक है, मैं गारंटी लेता हूँ आप महीने का 10 कमाते हो, मैं आपको महीने का 20 दूंगा। आप मेरे पास आ जाओ, रहना खाना सब मैं टेक केयर करूँगा, आप आओ, हम साथ में बिजनेस करेंगे, मैं आपको 20 दूंगा, चाहे लॉस हो प्रॉफिट हो, ठीक है। लेकिन मेरे को पता है कि मैं विदिन 3 मंथ्स में इसको इतना ऊपर ले आऊँगा कि जो मैं आपको 20 देता हूँ या 3 महीने में आपको 60 दूंगा, मैं 60 आपका भी कवर करूँगा और 60 खुद का भी कवर करूँगा, और फिर हम इसको 50-50 बिजनेस करेंगे पार्टनरशिप पे। तो कन्विंस हो गया वो, क्योंकि कोई भी कन्विंस हो गया यार, अगर आप 1 रुपये कमाते हो सामने लोगे मैं तुमको 2 दूंगा, खर्चा कुछ नहीं होगा तुम्हारा, सब बचत होगी, तो वो कन्विंस हो गया। आगे फर्स्ट मंथ हमने 27 मई को आहुति लॉन्च किया है अभी रिसेंटली। फर्स्ट मंथ नो सेल्स, सेकेंड मंथ मेरा पॉडकास्ट आया, पॉडकास्ट में जैसे हमने उस वीडियो के बारे में उसके बारे में बात की, प्रोडक्ट्स के बारे में, वायरल हुई वीडियो, सारा ट्रैफिक पेज पे आया। हमने ना करके भी अगर मैं बात करूं करीब 8 से 10 लाख का हमने उसमें सेल किया है विद इन अ मंथ। 1 महीना पूरा भी नहीं हुआ उसको, भी पॉडकास्ट को शायद आएगा हो गया होगा, 1 महीने में 8-10 लाख का सेल किया। अब उसका डेली रिवेन्यू चल रहा है करीब 35-40-50 थाउजेंड। वो है प्रॉफिटेबल बिजनेस, उसमें भी नेट प्रॉफिट है अराउंड 55-60%। तो जो मैंने उनको दिए हैं पिछले 2-3 महीने में पैसे, वो कवर हो चुके हैं। जो कि मैंने बोला था मेरा खुद का ही बन चुका है, और अब वो स्केलेबिलिटी की तरफ है कि अब हम ये सोच रहे हैं कि अब उसको जो मैंने 8-10 लाख का बिजनेस किया है उसको 80 और 90 लाख के बिजनेस में कैसे लेके आए। तो वो भी प्रॉफिटेबल बिजनेस आ गया, 3 हो गए। चौथा बिजनेस आर्टिफिशियल ज्वेलरी का, वो भी रिसेंटली स्टार्ट किया है। अभी उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि सेल्स है, कुछ नहीं, अभी सिर्फ उसमें बिल्डिंग चल रही है। हम ऐसा सोच रहे हैं खुद के ही प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करवा रहे हैं उसमें। तो अभी 150 SKUs हैं, 150 हमने डिज़ाइंस लिए हैं, और सारे के सारे ऐसे हैं कि विलो द प्राइस ऑफ 199, 99, 29 की। जो आपने अभी हमने 3-4 बिजनेसेस के बारे में बात की जी, तो कहीं ना कहीं पॉडकास्ट से और इंटरव्यूज से, इन सारी चीज़ों से भी पेजेस में या मतलब इसमें बिजनेस में आपको ग्रो होता है, मिलता है। मैंने सोचा नहीं था कि मिलेगा। मैंने पर्सनली ये नहीं सोचा था कि इतना बूस्ट मिलेगा, क्योंकि जो हमने पॉडकास्ट किया था उसमें हमने ऐसी कोई बात की ही नहीं थी कि जिसमें पुश करें चीज़ के, जैसे मैं बात करूं मैं कि यार कि ये मेरा प्रोडक्ट आप खरीदो, समझ गया, ऐसा कुछ किया नहीं था हमने, पुश किया नहीं था। सिर्फ बात की थी कि मेरे खुद का एक्सपीरियंस, जैसे कि मैं खुद पहनता हूँ, जैसे मैं रुद्राक्ष पहनता हूँ। मतलब हाँ, देख सकते हैं? नहीं अभी बिल्कुल देख सकते हैं, क्यों नहीं देख सकते हैं। हाँ, तो जैसे मैं खुद पहनता हूँ, ठीक है, तो जैसे मैंने पहना होता है उसके बारे में, जैसे कि मैं पैसे भी दिख रहा है तो आप पूछोगे क्वेश्चन। बस एक क्वेश्चन किया उन्होंने, टीम ने बातचीत हुई। कितने का लिया था आपने ये रुद्राक्ष? इसके मैं प्राइस नहीं बता सकता, लेकिन ये मैंने जहाँ से लिया था वहाँ से मैंने 2 चीज़ें ली थी, और दोनों की दोनों जो है वो रेयर चीज़ें हैं। पॉडकास्ट का मैं आपको फोटो भी दिखाऊंगा दूसरी चीज़ की, तो वह इसकी वैल्यू नहीं लगा सकते ना। समझ गया। वैसे तो नॉर्मल रुद्राक्ष जो है वो 10-20 रुपये का दाना आता है, ये विशेष रुद्राक्ष है, तो इसकी प्राइसिंग मैं क्या बता सकता हूँ। तो सिर्फ जनरल बात हुई थी, वो एक छोटी सी क्लिप जो है वो वायरल हो गई, और वायरल ऐसी हुई कि उनके पेज से तो हुई बाकी और बहुत सारे पेजेस ने कॉपी करके वायरल हुई। सारी की सारी ट्रैफिक ये ढूंढने में आई कि ये साइट कौन सी है, सब लोग वहाँ पे आए क्योंकि वहाँ पे जेन्युइनिटी थी। अब हम पता क्या करते हैं, अगर आप हमारे आहुति की वेबसाइट पे आके डालते हो कि मेरे को रुद्राक्ष चाहिए, हम आपसे आपकी डेट ऑफ बर्थ मांगते हैं, हम आपको बताते हैं आपको कौन सा रुद्राक्ष सही रहेगा, रेदर देन कि हम कुछ भी बेचें आपको। चाहे आपको अगर आपके कुंडली के आधार पर ही, आप कुंडली के हिसाब से, आपके अंक ज्योतिष के हिसाब से, क्योंकि हमारे पास खुद के जो है वो ज्योतिष बैठे हुए हैं। समझ गया। क्योंकि बहुत सारी बार क्या होता है ना कि लोग आते पूछते हैं कि मेरे को 5 मुखी रुद्राक्ष चाहिए। अगर मैं सिर्फ बिजनेस की बात करूं तो मैं एज अ बिजनेसमैन बोलूंगा ठीक है 5 मुखी इतने का ले लो, ऐसा ही होगा। लेकिन ये जो कर रहे हैं ना अपन, इसमें बहुत चीजें जुड़ी हुई है, और वो है एक धार्मिक बिलीफ कि आप 5 मुखी लेने तो जा रहे हो, क्या 5 में आपके लिए सही भी है कि नहीं है। क्योंकि अगर आप उसको लो आपको बेनिफिट ना हो तो इसलिए हमने रखा है कि आप जब भी मैसेज करते हो, चाहे आप 5 मांगो 10 मांगो, हम पहले आपसे आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका वो मांगेंगे कि सो दैट कि हम आपको बताएं कि आपको कौन सा ज़्यादा बेटर है। देन आपसे रीज़न पूछेंगे आप किस चीज़ के लिए लेना चाहते हो, आपकी हेल्थ बेनिफिट्स के लिए, आपकी वेल्थ बेनिफिट्स के लिए, आपके रिलीजियस बेनिफिट्स के लिए, स्पिरिचुअल बेनिफिट, उस हिसाब से। तो जब एक ऐसा टच मिलता है ना पर्सनल, और दूसरा प्राइसिंग हमारी बहुत सही है कि बहुत कम प्राइसेस में हम चीज़ें रुद्राक्ष देते हैं। जैसे अभी आप कह रहे थे कि हिमाचल की मार्केट के बारे में आपको ज़्यादा अच्छे से पता है, तो हिमाचल का मैं आपका लास्ट पॉडकास्ट भी देख रहा था जिसमें आपने हिमाचल के देवता के बारे में भी कुछ बताया था स्पेशली, तो लाइक उन्होंने आपको बिजनेस में कैसे सपोर्ट कर, हिमाचल की बेस्ट चीज़ आपको क्या लगती है, और स्पिरिचुअलिटी के मामले में मतलब अगर देखा जाए मेडिटेशन की दृष्टि से तो क्या बेनिफिट आपको लगता है? हिमाचल पीस देता है। और किसी भी मेडिटेशन या मतलब किसी भी काम के लिए, चाहे बिजनेस हो गया या कोई भी काम आप कर रहे हो उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? फोकस। फोकस कब आएगा? जब आपका दिमाग शांत होगा। तो वही है ना, और क्या है। अगर सारा दिमाग में 50 चीज़ चल रही है तो कहाँ इंसान कैसे काम कर पाए? सही बात है ना। हिमाचल एक ऐसी जगह है, हिमाचल में मैं जनरली रात में काम करता हूँ। मैं सुबह 4:30-5 बजे सोता हूँ और रात को बैठता हूँ करीब 10-11 बजे। तो हिमाचल ऐसी जगह है जहाँ पे रात को पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, एकदम सन्नाटा। बस तुम्हें मेंढक की टर्र की आवाज़ आ रही है, समझ। हाँ, मैं वो सब फील कर सकते हैं कि एक ओरा समझो कैसा फील होता होगा। तो मेरा जो रूम है वो रूम में ऐसा है कि सामने पूरा का पूरा ग्रीन पहाड़, मतलब कंपैरिजन टू अभी जैसे हम लोग दिल्ली में हैं तो आपको ऐसा फील होता होगा वहाँ की शून्य चलेगा बिल्कुल, क्योंकि मैं उत्तराखंड में भी वैसा ही कुछ। अभी देखो, अब मेरे रूम का व्यू इमेजिन करो, ठीक है। ऐसी खिड़की है, ये सामने देखो क्या दिख रहा है तुमको, बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स दिख रही हैं। अब सब बिल्डिंग्स हटा दो यहाँ से, ठीक है। एक बड़ा सा पहाड़ लगा दो और बस बीच में पेड़ लगा दो हरे, बस ये है। तो मैं वहाँ पे बैठ के काम करता हूँ। अब वो जो फोकस आता है ना, वो उस एनर्जी, उसी में एक एनर्जी है, वो वही एक फील है कि उसी में चाहे आप भगवान को फील करो, वो जो मर्जी फील करो, वो एनर्जी हेल्प करती है मेरे को रात भर काम करने में, जागे रहने में, फोकस रहने में। कि मेरे को नींद नहीं आती यार सुबह 5 बजे तक, और मेरे को मैं 5 बजे सो के 7 बजे उठ जाऊँ ना, मैं पूरा दिन काम कर सकता हूँ। मेरे में, मतलब ऐसा नहीं कि मेरे में ऐसी एनर्जी है, लेकिन ऐसा हर व्यक्ति के साथ है, हो सकता है। मतलब जो हिमाचल में है ऐसी एनर्जी, क्यों? उसका रीज़न क्या लगता है आपको? आप स्पेशली किस में ज़्यादा बिलीव करते हो? लाइक किस में? एज इन जैसे जो एक हमारे कुल देवी होते हैं या कुल देवता होते हैं, मैं उनकी हम अपने, एक तो इष्ट देवता है हमारे बाबा पहाड़िया जी, हम उन पर बिलीव करते हैं। क्योंकि मेरी पापा का बिलीफ है, पापा मम्मी का बिलीफ है, बचपन से वो बिलीफ चला रहा है। और मम्मी की वजह से ठाकुर जी पे भी हमारा बिलीफ है, बांके बिहारी जी पे। बस ये 2 मेजर बिलीफ्स हैं मेरी लाइफ में, और इन्हीं पे मैं करता हूँ और इन्हीं की एनर्जी को फील करता हूँ मोस्टली। नेगेटिव एनर्जीज़ पे मैं ना ज़्यादा ध्यान देता हूँ, ना सोचता हूँ। होती हैं, क्योंकि अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है ना। हर सिक्के के 2 पहलू हैं, लेकिन उन पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि हमें पता है कि हम पॉजिटिव पे ज़्यादा फोकस करते हैं। हिमाचल में आप जाओगे, हर गाँव में एक अलग कहानी आपको मिलेगी, हर गांव में एक अलग देवता मिलेंगे। हिमाचल में लोकल गॉड्स को ज़्यादा पूजा जाता है। अच्छा, है ना। हिमाचल में इन लोग, हाँ मैंने ये सुना है बहुत ज़्यादा। हाँ, अब मोस्टली जैसे आप और ऊपर जाओगे, कुल्लू मंडी जाओगे, मेरे जहाँ पे मैं रहता हूँ वो तो फिर भी एक, मतलब ऐसी जगह है जहाँ पे ऐसा कुछ ज़्यादा खास नहीं है। लेकिन ऊपर हिमाचल में जाओगे, ऊपर तो इतना स्ट्रिक्ट रूल है कि उन एरियाज़ में देवता की हुकूमत चलती है, हर काम देवता को पूछ के किया जाता है। कि इवन ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है वो देवता की बात मानते हैं, बिल्कुल। क्योंकि अगर देवता वहाँ पे नाराज हो गए तो कायाकल्प कर सकते हैं। अब हिमाचल में कितना बड़ा यार डिजास्टर हो रहा है या हुआ है, सब जानते हैं। तो कुछ ना कुछ गलतियाँ रही होंगी जो कि हिमाचल के लोग मानते हैं। देवता भी, जैसे वहाँ पे बिजली महादेव है हमारे वहाँ पे, तो बिजली महादेव के बारे में आपने शायद सुना होगा। तो वहाँ पे क्या होता है कि हर साल बिजली कड़कती है, बिजली पहाड़ से क्रॉस होके एक पत्थर पे पड़ती, एक शिवलिंग पे पड़ती है और शिवलिंग टूट जाता है। उसके बाद शिवलिंग को माखन और सबसे जोड़ा जाता है और वो ऐसे स्टिक रहता है, और ये हर साल प्रोसेस होता है, इसलिए उसको बिजली महादेव बोला जाता है। तो अभी क्या, वहाँ पे एक रोप वे बनाया जा रहा है, ठीक है। रोप वे बनाया जा रहा है ऊपर जाने के लिए, तो उसके अंदर बहुत सारे पेड़ कटेंगे, रोप वे बनेगा, तो जो कि वहाँ पे लोकल लोग नहीं जानते। और देवता ने भी बोला है कि नहीं, ये मत करो। यही ऐसे रीज़न रहे हैं जिसकी वजह से मेरे हिसाब से हिमाचल में बहुत बड़ा हमने डिजास्टर अभी फेस किया है। क्योंकि ऐसा सिमिलर डिजास्टर उत्तराखंड में हमने देखा था, उसके पीछे का रीज़न भी सबको पता है ना, क्यों हुआ था। और ऐसी चीज़ हिमाचल में हुई है। तो हिमाचल में ना बहुत ज़्यादा बिलीफ है, बहुत ज़्यादा बिलीफ है, और दोनों एनर्जी का बिलीफ है वहाँ पे। कि लोग वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी को भी मानते हैं, और उनको ये भी पता है कि नेगेटिव एनर्जी भी होती है। ये है हिमाचल। अपने कुल देवता के बारे में कुछ बताइए। लाइक इष्ट देवता जो हमारे हैं वो बाबा पहाड़िया जी है, हम उनको मानते हैं, पूरा गांव उनको मानता है। और अब कुछ एरियाज़ में ऐसा है कि उनको एज ए नेगेटिव एनर्जी माना जाता है। क्योंकि जब मैंने लास्ट पॉडकास्ट किया तो उसमें कमेंट्स में और ज़्यादा, क्योंकि जब किस चीज़ के बारे में बात होती है, क्योंकि आज तक उनके बारे में बात ही नहीं पब्लिकली, तो जब मैंने बात करी तो क्या कि उसमें बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स आते हैं लोगों के। तो उसमें क्या कि उनके 2 रूप सामने आए, एक बाबा पहाड़िया, एक मामा पहाड़िया। तो जो दूसरा रूप है वो शायद कुछ लोग उनको नेगेटिव एनर्जी के हिसाब से मानते हैं, लेकिन हमारे एरिया में जहाँ पे हम रहते हैं, ऊना हो गया, हिमाचल में बहुत सारे एरिया में उनको पॉजिटिव एनर्जी माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि वो पहले के तो ऐसा माना जाता है कि जब आप रात को अकेले चलते हो वो आपके साथ में चलते हैं, हेल्प करते हैं, जब भी आप हो हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं। अब हमारे लिए तो वो, मेरे पापा के लिए वो फादर फिगर है, क्योंकि हमारे दादा दादी नहीं है, उनके लिए फादर फिगर हैं और हर काम से पहले हर चीज़ है, कुछ भी है उसका क्रेडिट उनको हम देते हैं। कुछ भी है कि आज मैं यहाँ पे हूँ तो उन वही एक मेरे मम्मी पापा उसका रीज़न है, दूसरा बाबा जी रीज़न है, और कोई रीज़न नहीं है। सेम मेरे पापा के साथ है, सुबह उठते हैं शॉप पे जाते हैं तो जाने से पहले उनको बोलते हैं कि मैं आपकी ड्यूटी करने जा रहा हूँ, वापस आते हैं तो वापस आके सरेंडर करते हैं कि हम आगे काम करके जो भी काम किया सब आपका। तो वो एक बिलीफ है हमारा। जब से आपने ये विशेष भद्राक्ष पहना है जो कि स्पेशली आपने मुझे बताया कि हमने इस पे बात भी की कि आपने मंगवाया इसको, आपको किसी से मिला? ये मंगवाया नहीं, मतलब हुआ ये था कि मैं किसी जगह पे किसी व्यक्ति से मिला जो कि रेयर चीज़ें कलेक्ट करते थे, तो उनके पास एक कालीन था। देखो बात कहाँ से शुरू हुई थी, इसके बारे में कभी बात ही नहीं हुई। एक कालीन था, वो कालीन एक ऐसा घराने का था जो कि एक तरह का एक ही कालीन बनाते हैं। ओके अब जो चीज़ हाथ से बनेगी वैसे वो एक ही बनेगी, है ना। एक तरह की चीज़ हाथ से दूसरी तरह की सेम चीज़ तो कभी बन ही नहीं सकती। तो क्या वो एक तरह का एक ही कालीन बनाते थे, तो कालीन की कीमत थी करीब 45-50 हज़ार रुपया। तो मेरे को पसंद आया वो, मैंने बिना कॉस्ट पूछे वो उनसे ले लिया। अब जब मैंने उनसे कॉस्ट नहीं पूछी तो फिर उनको वो मेरा एक क्या कहते हैं अच्छा लगा उनको आपका कि बिना कि इस इंसान को वैल्यू है चीज़ की, ऐसा। तो उन्होंने फिर ऐसे बोला कि मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, देने के लिए नहीं, ऐसे एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। तो उन्होंने मेरे को फिर ये दिखाया कि उनको वो एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते जिनसे मैंने लिए, उनको नहीं पता कि ये क्या है, ठीक है। उनने बस रखा हुआ था कि ये मेरे फैमिली में मेरे परदादा से चला आ रहा है, मेरे को नहीं पता कि क्या है, पर ये उन्होंने कहा था कि रखना, वो सबने रखा हुआ है। तो कहते कि देखो अगर आपको कुछ, जैसे मैंने देखा ना, एक तो इसका शेप आप देखो, ठीक है, ये जो शेप है ये बहुत ही प्यारा है, अलग सा शेप है। और जो नॉर्मल भद्राक्ष होते हैं उसका कलर और इसमें बहुत डिफरेंस है पहले तो, और अभी तक मैं ये खुद आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊँ कि ये भद्राक्ष है या रुद्राक्ष है। मेरे को खुद को जब मैंने देखा मैंने कहा कि ये मैं एसोसिएट कर पा रहा हूँ, मेरे को लेना है। ऐसा था कि कोई चेक नहीं करवाया मैंने, क्योंकि मैं इसमें बिलीव, मैं खुद में ये नहीं समझता हूँ कि कोई भी एनर्जी जो है वो नेगेटिव। आप जिस किसी चीज़ को पॉजिटिव लोगे ना, आपको दुश्मन को भी प्यार से बात करो तो दुश्मन भी आपका दोस्त बन जाता है ना। कभी कभी आप कुंडली चेक करवाते हो, कोई ग्रह आपका डाउन चल रहा है तो सामने पंडित आपको ब्राह्मण क्या सलाह देते हैं कि आप उनकी पूजा करो, है ना, उस ग्रह के लिए आप कुछ करो, तो जो आपका ग्रह आपसे रुष्ट भी है वो भी आपके लिए सही हो जाएगा। तो मेरे को ये नहीं, मैं बिलीव करते कुछ गलत पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट वो बाद में आएगा, पहले मेरे को चीज़ अच्छी लगी, मैं एसोसिएट कर पा रहा हूँ, मैं लूँगा, मेरे को अच्छा लगा। मैंने बोला कि बताइए कि मेरे को चाहिए, आप एक कॉस्ट बोलिए जो भी। तो उन्होंने जो बोला मैंने दे दिया और ले लिया। फिर साथ में मैंने एक दक्षिणावर्ती शंख भी लिया। तो ये तीन चीज़ें मैं लेके आ गया घर पर। फिर घर पर गुरुजी ने देखा कि अरे ये शंख तो बहुत, मैं आपको फ़ोटो दिखाऊंगा तो आप देखना, अगर हो सका मैं चेक करूंगा, नहीं तो उसको फ़ोटो का आप अटैच भी कर सकते हो, फिर समझ आएगा लोगों की क्यों मैं बोलता हूँ कि वो रेयर है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें लेके आया मैं, तो जब से मैंने पहना हुआ है अब तब से है तो पॉजिटिव ही हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है। एक अभी रिसेंट की बात है, मेरा एक रियलिटी शो का ऑडिशन था, तो मैं वृंदावन से आया तो जैसे मैं दिल्ली पहुँचा मेरा चेन टूट गया, ठीक है। आप देखोगे तो मेरे पुराने पॉडकास्ट में दूसरा चेन था, वो चेन टूट गया। चेन टूटा तो रुद्राक्ष खुल गया, ये भद्राक्ष खुल गया। जैसे ही खुला है ना, मेरे को इतना बीमार हुआ हूँ मैं, यहाँ पे दिल्ली पहुँचते ही मैं बेड से वॉशरूम तक नहीं उठ पा रहा था। और करीब मेरा तीसरे दिन ऑडिशन था और 2 दिन हमें प्रेपरेशन करनी थी, मैं एक भी प्रेपरेशन में पार्ट नहीं ले पाया, मैं बेड पर था पूरा टाइम। और सेकेंड नाइट, जब नेक्स्ट डे ऑडिशन है तो नाइट को मेरे को मतलब दवाइयाँ कोई नहीं फ़र्क पड़ रहा, 2-3 डॉक्टर से दवाई ले ली, 1-2 डॉक्टर से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। फिर रात को मेरी टीम ने, जिन्होंने पॉडकास्ट देखा, उन्होंने मेरे को बोला कि सर आपने पॉडकास्ट में ऐसे इनके इतने बेनिफिट से बताया, तो हो सकता है कि जब से आपसे खुला है। तो मैंने तब मैंने कहा यार जब से खुला है तब से मैं ऐसे बीमार हूँ। तो फिर उन्होंने एक नकली चेन लेके आया, मैं ओरिजिनल चांदी में पहनता हूँ, नकली चेन लेके आया वो, उन्होंने उसमें डाला कि सर आप पहन लो, घर जाके नहीं ले लेना। पहना मैंने, सुबह उठाऊँ मैं, फ़र्क पड़ गया था, मैं ठीक हो गया, मैं ऑडिशन दे पाया। तब से तो मैं ऐसा हो गया हूँ कि यार अब इसको खोल ही नहीं सकता मैं, अपने से अलग ही नहीं कर सकता हूँ, वैसा है। तो यहीं से कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई हुआ और पिंच किया कि चलो आहुति वाला भी, लोगों को भी इससे हेल्प होगी और कहीं ना कहीं सनातन का प्रचार भी होगा। वो तो मैं पहले से ही हूँ इस चीज़ में। आहुति तो हमने इससे पहले शुरू कर दिया था, आहुति तो हमने मई में चालू किया है, और उससे पहले जब मार्च में मेरे को आइडिया पिच किया था उन्होंने, मेरे को ये था कि आइडिया अच्छा है कि सनातन का प्रचार, यार अगर मेरे को मौका मिल रहा है किसी भी तरह से तो मैं क्यों पार्टिसिपेट नहीं करूं। जब से लोगों को पता लगा है आपके इसके बारे में, मतलब सेल्स भी और ये सारी चीज़ें एकदम से इतनी इंटरकनेक्ट हो गई कि चाहिए 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 हमको। जी, उसमें मेन ये भी रोल प्ले किया कि लोग मेरे से बात करना चाहते हैं लेने से पहले कि अंकुश जी, क्योंकि उनमें यह है कि बहुत सारे लोग फेक देते हैं, नकली चीज़ देते हैं। तो अब क्योंकि मेरी एक ऐसी आइडेंटिटी है कि मैं कुछ भी चीज़ देने से पहले 100 बार सोचता हूँ कि गलत ना चला जाए कस्टमर को, चाहे वो रुद्राक्ष ले रहे हैं, चाहे वो साड़ी ले रहे हैं मेरे से, चाहे कुछ भी ले रहे हैं तो मैं हर प्रोडक्ट से पहले ये सोचता हूँ कि मेरी एक आइडेंटिटी है पब्लिक अभी जो बनी है, अगर मैं कुछ भी गलत दूंगा ना, अगर किसी ने गलती से भी कहीं पे जाके कुछ गलत लिख दिया उस चीज़ के बारे में, तो मेरी आइडेंटिटी पे क्वेश्चन करता है, तो वो मैं कभी नहीं होने दूंगा। तो उस वजह से क्या है कि जो भी मेरे से कोई क्वेरी आती है, प्रोडक्ट आता है या हम हमारी तरफ से कोई रुद्राक्ष हम किसी को बेचते हैं, हम रुद्राक्ष आपने ऑर्डर किया, मैंने आपको बताया कि रुद्राक्ष से पहले हम क्या है पूरा आपका जानते हैं कि आपको कौन सा रुद्राक्ष अच्छा ही रहेगा, रहता देन आप मेरे को बोलेंगे मेरे को यही चाहिए, प्लस हम उस रुद्राक्ष का रुद्र अभिषेक करके उसकी प्राण प्रतिष्ठा करके आपको बेचते हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम लेते हैं और इस पूरे प्रोसेस का 1 भी रुपया हम चार्ज नहीं करते हैं।